तो आज मैं खड़ा हूँ अपने घर के अंदर जहाँ पे एंडर ड्रैगन को मारा है मैंने रिसेंटली। भाई साहब बहुत मुश्किलों का काम था वो, जो कि मैंने हाथ वात लेके मारा था उसे 2-4 दिन पहले। नीचे कोई तो आया है भाई, नाच रहा है कोई तो। अरे दीपक भाई बाहर निकलो यार, जल्दी आओ भाई। भाई फाइनली जल्दी बाहर आओ यार, चोरी हो रहा है। अरे दीपक भाई ये क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे भाई ये रॉयल्टी, रॉयल्टी को भी बुला, तो चोरों को एक चीज दिखाता हूँ। ओए रॉयल्टी बाहर आ, रॉयल्टी। ओ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे देख भाई इसके पास क्या है वंश के हाथ में भाई। ये देखो पता है ना मैंने फाइनली 2 साल लगाए इस चीज को बताने में। बोल रहा था उड़ सकते हैं आसमान में। हाँ तो बोल तो रहा था सीरियसली। हाँ तुम बस पीछ अभी देखना, एक दो तीन। अरे फट जाएगा। अरे ये व्हाट, ये फटा कैसे नहीं रहे? सीरियसली ये देखो मैं उड़ सकता हूँ भाई, फाइनली मेरा आविष्कार। भाई ये और क्या तेरे पास? हाँ मैं तुमको देने आया हूँ, देखो मैं इतनी स्लोली नहीं चाह रहा हूँ। ये देख एक रॉयल्टी दे रहा और एक दीपक भाई आपका। ओ भाई मैं भी पी लेता हूँ भाई। और देखो मैंने चाकू भी बनाया। वो क्या हुआ? अरे कुछ हुआ है? अरे कैसे उड़ते हैं भाई से? अरे जंप करो, जंप करो, जंप करो, डबल जंप करो। उड़ गया भाई मैं तो। ओ शिट, अरे नीचे भाई सिर फट गया यार मेरा। बच गया। अरे भाई अब तो उड़ने चलते हैं ना यार, अभी दीपक भाई एक्सप्लोर करने चलते हैं यार। हाँ भाई मुझे भी यही लगता है। हाँ हम सबसे पहले वुडलैंड मेंशन पे जाएंगे भाई। वो एक्चुअली मेरे को एक्चुअली अपने थोड़ा सा वो मैनेज कर रहे हैं अपने बैंक को, तो यू नो यार तेरा हर बार का यही होता है यार बैंक। भाई नेक्स्ट टाइम पक्का आऊंगा यार, भाई प्लीज यार। अगली बार से अगर तू नहीं आया ना मैं तेरे को अपने आविष्कार नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? चलो दीपक भाई अपन ही चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे पर मेरे को इसे कंट्रोल करना सीखना होगा ना पहले। अरे अरे देख, देखो दीपक भाई आपको इधर आना एंड सीधा ऐसे करना और देखो कितनी आराम से उड़ पाओगे यहाँ पर। ओ भाई लेट मी ट्राई एंड ओ बहुत इजी है भाई। चलते हैं, आओ फिर चलते हैं फिर वुडलैंड मेंशन की तरफ। लेट्स गो। वैसे तुम्हें पता है ना कोड्स? अरे हाँ यार तुम मेरे पीछे पीछे आओ बस। ओ दीपक भाई मैं आ गया बस ऑलमोस्ट। ओ भाई क्या लैंडिंग किया मैंने। अरे इतना बड़ा वुडलैंड मेंशन भाई, वही तो कितना पड़ रहा है यार। ये थोड़ा सा खाना ले लो और के अंदर बहुत सारे मॉब्स हो। नहीं खाना है ऑलरेडी मेरे पे। अरे आपके लिए मेरे पे ना एक आयरन आर्मर भी है, ये लो मैंने आपके लिए बनाया फाइनली। वो भी मैं लेके आया हूँ भाई, मैं ऑलरेडी रखता हूँ, मैंने बताया तो एंडर ड्रैगन को मार के आया हूँ रिसेंटली। भाई ठीक है भाई, चलो यहाँ पे टोटम मिलते हैं ना वेंडिकेटर से। हाँ टोटम मिलता है, आज सीधे ऊपर चलते हैं भाई। चलो चलो भाई, ये भाई चलो मैं तो इधर जाऊंगा भाई। भाई ये क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है भाई? तुमने कुछ उल्टा सीधा पिला दिया भाई मेरे को। तुम साइंटिस्ट कौन है? एक कोई तो नहीं है, तुम यार खुद भी खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हो क्या भाई? खुद खुद को भी तुम्हें यार भाई पहली बात तो देख, वो बिजली कैसे चमक रही है यहाँ पे? ओ ये भाई दीपक भाई, भाई साहब तुम लोग कौन हो? अरे हम लोग भाई, हेलो 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 सर, पहले तो आप पीछे रहिए भाई। पीछे रह पीछे रह। अरे सर जी हम तो घूमने आए सर जी यहाँ पे। तुम लोग जैसे घूमने आए थे ना वैसे घर चले जाओ, क्योंकि ये हमारा राजा जी का कासल है। अरे भाई कौन सा राजा जी? वही तो। और इसकी स्किन ना क्या? रुक जा तेरे को बताता हूँ अभी। हट ओए हट, मार किसको? हट लो। अरे अरे नहीं मारते भाई, नहीं मारते, नहीं मारते भाई। दीपक भाई इधर ही आओ, दीपक भाई इधर आओ, इधर आओ। अरे मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा खतरनाक, और राजा क्या बोल रहे इसे पूछते हैं थोड़ा। क्या राजा जी? हाँ बताओ ना सर क्या राजा जी? हमारे बहुत बड़े महान राजा जी इधर रहते थे, ये उनका सेकंड कासल है। ओ, तो ये तो भाई वुडलैंड मेंशन है यार ये। वही तो पूरा भाई मेरी तरफ देख रहा है भाई। अरे अरे भाई गलती हो गई, भाई गर्मी हो रही है यार, मैं चेयर उतार रहा हूँ। एक सेकंड यार, एक तो इतनी गर्मी हो रही है ऊपर से लाइटनिंग बोल्ट मार रहा है। ओ भाई राजा जी आप भाई दूर रहे भाई। रुक जा दीपक भाई, ये पक्का मजाक कर रहा है। देखो आपकी मशहूर साइंटिस्ट वन स्पॉट भैया देखिए अरे दीपक भाई मेरे को लग रहा है आपके क्राउन की वजह से ना ऐसा बोल रहा है, वरना तो अभी तो उनको परेशान कर रहा होता। मेरे को साइंटिस्ट इधर को ऐसा पता कि मैं साइंटिस्ट हूँ? अरे आप लोग तो 1920s में मर गए थे वॉर के दौरान। हैं? What seriously? आप लोग जिंदा कैसे हो? क्या बोल रहा है ये? And आप लोगों को तो कासल में होना चाहिए, आप लोग इधर क्या कर रहे हो? भाई तेरा कौन सा कासल? भाई कौन सा कासल? हाँ? And आप लोगों का जनरल रॉयल्टी कहाँ है? What? जनरल रॉयल्टी बताइयो जरा। हाँ पर वो जनरल मानता हूँ, वो अपना काम करता है, बट जनरल थोड़ी ना है ना दीपक भाई। हाँ भाई, और वंश तू एक काम कर भाई, उसके कासल पे भाई तोड़ मत यार, ये मार देगा भाई, बहुत खतरनाक आदमी है। वो सब छोड़ो, मैं आपको कासल में लेके चलता हूँ, आपके मेरे पीछे पीछे आ जाइए। चलो 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 भाई, इतनी खतरनाक भाई भटकती आत्मा आई है तो।
भाई हमें भी कमरा दे देना यार कोने में यार, भाई हम भी रह लेंगे यार। इधर गए। वेट व्हाट, ये क्या है? यही तो आपका कासल है। भाई देख देख भाई, ये कासल मेरा हो ही नहीं सकता भाई, तू काला है और ये कासल भी काला है भाई, वो भी टूटा हुआ था एकदम। यार भाई यार इसी का जादू तोड़ रहा है भाई, इसको मार भी नहीं पा रहा मैं यार। कुछ जादू तोड़ना नहीं है, आपका ही कासल है। सीरियसली जाके ऊपर दे सकते हो, आपका थ्रोन है उधर। भाई चलो चलो, देखो कोई मेरा भी थ्रोन होगा, मैं देखता हूँ भाई जाके। इधर तो सही में थ्रोन है। सच में भाई ये मेरा थ्रोन कौन सा है भाई? आपका थ्रोन ये बीच वाला है, एंड वन शॉट आपका ये वाला है, एंड ये वाला हमारा जनरल रोल्टी जी का है। वैसे देख तुम भाई मजाक कर रहे हो या भाई? भाई वेट 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 वेट, अरे तुम मजाक कर रहे हो या फिर सच में ये मेरा ही थ्रोन है? ये आपका ही थ्रोन है राजा जी। ए भाई राजा भाई देख सब इन दोनों के भाई, ये दोनों थ्रोन तो भाई एकदम चकाचक है भाई। मेरा तो यहाँ पे डायमंड ब्लॉक, तूने खा लिया क्या? जी वो पहले से ये सही राजा जी, एंड ये बहुत दिनों से बंद है, इसलिए वो डायमंड एक दो चोरी भी हो चुके हैं। अरे बट एक मेरे को फंडा समझ नहीं आ रहा दीपक भाई, ये जो रॉयल्टी है तो वो जनरल कैसे बना यार? हाँ भाई वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, वो तो भाई बैंक मैनेजर है यार। अरे वो पीवीपी भी तो बहुत अच्छी करता है। ओ हाँ, आई गेस वो आर्मी जनरल है क्या वो? हेलो हाँ वो आर्मी जनरल है। ओ भाई, अरे वंश आज हमारे मम्मी पापा होते तो भाई साहब कितना प्राउड फील करते भाई, सोने पे राज करते हैं। वही तो, और मेरे को दीपक भाई एक बात भी पता चली है की हमारे मम्मी पापा और रॉयल्टी के मम्मी पापा सबकी शक्ल एक जैसी थी, मतलब तुम्हारे पापा तुम्हारे जैसे लगते थे भाई एकदम रॉयल। हाँ चल ठीक है भाई, मुझे पता है वो ऑलरेडी। क्या 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 तुझे नहीं पता? मेरे को अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। हैं पता है मैं आप लोगों को कैसे पहचान रहा हूँ? ओए क्योंकि आप लोगों को, मेरे को अभी पता चल रहा है आप लोगों के जो पिताजी थे ना उनकी शक्ल आपकी तरह मिलती है, तो इसीलिए मैं आपको पहचान पा रहा हूँ। ओहो भाई, ओ भाई, बट हमको हमारे पिताजी के बारे में कुछ सब चीजें बताओ ना। अरे वो सब छोड़, लेकिन अब जब हमारे पिताजी नहीं है तो यहाँ का राजा मैं ही हुआ ना। ए भाई हाँ देखा जाए तो आप ही हुए। अरे वो सब तो ठीक है, हमारे पिताजी की कहानी भी सुनाना तुम, पहले हमें बताओ कि हमारी कॉस्ट्यूम कहाँ है। कॉस्ट्यूम वो क्या होता है? अरे मतलब हमारी पोशाक। पोशाक ओह मेरे को याद आया, रुकिए ताज तो मेरे पास पहले से ही है, पता नहीं मेरे घर की चेस्ट में मिला था मुझे। ये लीजिए आपका पोशाक। अरे दीपक, अरे राजा जी आप जैसे स्किन चेंज कर गए तो आपकी यहाँ पर गोल्ड आएगा, और पीछे देखो क्या आ गया, ये देखो ये तलवार है। ये तो भाई ऑलरेडी मेरे पास है भाई, इसलिए तो आप ये वाला तो वरना पे तो ये वाली तलवार होती है। देखो व्हाट, ये तो चाकू है भाई। अरे यार वही यार समझ दो, देखो हम पे ये चाकू ही रहता है बस। पर यार मेरी चेस्ट में पड़ी हुई थी ये वाली तलवार जो मैं यूज करता हूँ भाई, वही तो। और बस इतना सा सोना भाई, ये 90s नहीं है यार, और भी सोना है क्या भाई? कृतिकाने में बहुत सोना है। ओ भाई सीरियसली, अरे सोने का पूरा ब्लॉक। अरे पर मैंने व्हाट, इतने गोल्ड ब्लॉक। एंड तुम मेरे को ये बताओ हमारे पिताजी के साथ क्या हुआ था यार, मुझे जानना है। तुम्हें तो बताता हूँ, तो आप लोगों के पिताजी के साथ कुछ ये हुआ था। वंश दासियों को बुलाओ, मेरे लिए दो थाली भर के भोजन लेके आए। तो महाराज जी वो आ नहीं सकती अभी। महाराज जी मैं बोलता हूँ, हमारी दासियां अभी खाना लेके नहीं आ सकती। क्यों भाई? क्योंकि पड़ोसी विलेज से अनाज ठीक तरीके से नहीं आ रहा है, एंड वो लोग मना कर रहे हैं कि अनाज वो नहीं देंगे। ओ उनकी ये मजाल, हमसे जवान लड़ाते हैं वो लोग। हाँ तो तुम लोग एक काम करो, मेरे वहाँ पे जाने की तैयारी करो। ठीक है राजा जी। मुझे पंख दो। ये लीजिए, ये आविष्कार अपने वंश पॉट जी का, हमारे पूरे सेना के लिए है। चलो फिर जल्दी से तुम लोग मुझे लेकर चलो उस विलेज पे। आइए हमारे पीछे आइए राजा जी, चलिए हम विलेज के पास पहुँच चुके हैं। तुम लोग राजा जी को मार रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हमला कर रहे हैं, इनको मार दे क्या राजा जी? मार दो सबको, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना यहाँ पे। ठीक है राजा जी। कैसे बचोगे तुम लोग? दादाजी ये दो विलेजर आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ राजा जी यहाँ पर खड़े हैं मासूम की तरह। दादाजी ये विलेजर आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आप इससे बात करेंगे? ठीक है तुम लोगों की भी सुनी जाएगी, बोलो आप जो भी बोलना है। अरे तुम लोग ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते हो, तुम लोग तो ना इंसाफ ही कर रहे हो हमारे साथ। तुम लोग कौन होते हो हमसे आवाज मांगने वाले? तुम राजा जी से बहस करो जब तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्या अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं? ये इन लोगों को जिंदा जला दो। तो यही कुछ हुआ था आप लोगों के पिताजी के साथ। सीरियसली भाई इतने बुरे थे हमारे पिताजी यार। वही तो भाई, और यार वो ऑल्डिनो के साथ मिस भी कर दिया।
बट यार एक सेकंड, रॉयल्टी ने मिस कर दिया। पर यार तुम तो इतने शक्तिशाली हो, तुम कैसे बच गए भाई? मतलब तुमने हमारे पिताजी को बचाया नहीं, खुद बचे हुए यहाँ पे। आपके पिताजी ने महान साइंटिस्ट वंस को बोल के मेरे को बनवाया था एंड आप लोगों की सुरक्षा करने के लिए बोली थी। हाँ तो हमारी एक सेकंड भाई वंश, हमारी सुरक्षा के लिए बोला था तो इसका मतलब तो उसकी उनकी सुरक्षा नहीं करेगा। मैंने आप लोगों के पिताजी को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मैं सिर्फ महाराजा जी की आदेश ही पालन करता हूँ। इसलिए भाई साहब इतने बुरे थे हमारे पिताजी, बट हम लोग अच्छे से रहेंगे और पूरे वर्ल्ड को मैनेज करेंगे। अब तो होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।